कैसे हैं आप लोग। आप सभी का ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज की जो लेटेस्ट न्यूज है वो है आपकी जॉब को लेकर के। जी हाँ, 1894 पदों की लिखित परीक्षा जो कि यूपी में एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती होनी थी, उसका विज्ञापन जो है एडवर्टीजमेंट जो है वो 18 फरवरी को आ जाएगा और 22 फरवरी से जो है आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि आखिर क्या दिया गया इस विज्ञापन में, और ये जो न्यूज़ है आज के पेपर दैनिक जागरण की है। ठीक है, तो देखिए प्रयागराज से न्यूज़ निकल के आ रही है कि प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 11 अप्रैल को होगी। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों की परीक्षा अलग अलग कराई जाएगी और 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। शासन ने भर्ती की समय सारणी व पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। विज्ञापन 18 फरवरी को जारी होगा जबकि ऑनलाइन आवेदन जो है वो 22 फरवरी से लिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल यानी जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी और विशेष सचिव आरबी सिंह ने भर्ती के नियम और पाठ्यक्रम के साथ ही समय सारणी जारी कर दी थी। फिर इसको बाद में क्लोज कर दिया गया था कुछ टाइम के लिए। OMR पर बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, तो पेपर किस तरह का आएगा देखिए, तो यहाँ पे MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है ना, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे जो एग्ज़ाम है OMR के माध्यम से कराया जाएगा और दोनों पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा से उच्च स्तर की परीक्षा होगी। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक की परीक्षा में प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर स्नातक होगा, यानी लेवल क्या होगा पेपर का, तो ग्रेजुएशन के बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ओके, और भी देख लेते हैं कि भर्ती में चयन निदेशालय स्तर पर होगा। 5 साल का अनुभव जरूरी है यहाँ पे, तो प्रधानाध्यापक है प्राचार्य पद के लिए 5 वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव अनिवार्य है और अभ्यर्थियों को विद्यालय प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए और परीक्षा में प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न यानी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैनेजमेंट से संबंधित। ठीक है, और इसके बाद 1 घंटे होगी। दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन जो अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहेंगे उन्हें एक ही ऑनलाइन आवेदन में दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा दी जाएगी और दोनों का परीक्षा शुल्क अलग देना होगा। यानी कि आप टीचर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और प्रधानाध्यापक प्राचार्य के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। फीस यहाँ पे आपको अलग देनी होगी, लेकिन जो आवेदन अगर दोनों में करना चाहते हैं तो एक ही फॉर्म में इंक्लूड करना होगा, वहाँ पे आपको टिक कर देना होगा। ठीक है, कट ऑफ जो है तो भर्ती परीक्षा के उत्तीर्ण अंक तय हैं। समान वर्ग का कट ऑफ 65 होगा। ठीक है, वह आरक्षित वर्ग का जो है वो 60% होगा और यहाँ पे यानी कि अनारक्षित 65 और आरक्षित जो है वो 70% होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, मेन जो समय सारणी जो आपकी निकाली गई है, विज्ञापन जो है यानी कि एडवर्टीजमेंट 18 फरवरी को आएगा। ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं, फॉर्म कब से भर सकते हैं, वो 22 फरवरी से भर सकते हैं और लास्ट डेट जो है वो 8 मार्च रखी गई है। फीस जमा करने की 9 मार्च रखी गई है और आवेदन पूरा डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट ले लीजिए, तो 10 मार्च रखी गई है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जो है वो 23 मार्च रखा गया है। ओके, और जो एडमिट कार्ड है वो अप्रैल में आपके 5 अप्रैल को आ जाएंगे और लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम जो है वो 11 अप्रैल को होगी और OMR सीट पे होगी। ठीक है, सहायक अध्यापक की सुबह 9 से 11:30 होगी और प्रधानाध्यापक के जो प्रश्न पत्र हैं दोपहर 1 से 3:30 तक होगी। अगर दोनों देना चाहते हैं इसीलिए इसको अलग अलग रखा गया है। ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो 4:30 से 5:30 होगा, यानी एक स्पेशल क्वेश्चन रखा गया। 50 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैनेजमेंट से संबंधित प्रधानाध्यापक के लिए, वो आपका जो है वो द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आएगा, जो 4:30 से 5:30 एक घंटे का होगा। ठीक है, 16 अप्रैल को आपकी जो आंसर की है उत्तर कुंजी वो यहाँ पे डाल दी जाएगी और एग्जाम रिजल्ट की अगर बात करते हैं तो 11 मई को होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यूज़ निकल के आखिर आ ही गई है कि जो एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती होने वाली है वो 18 को एडवर्टीजमेंट आ जाएगा और 22 फरवरी से फॉर्म जो है भरने शुरू हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमसे, हम आपके लिए ऐसे ही खबरें लेके आते रहेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।